प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार जल संवर्धन अभियान को सफल बनाने के लिए विधायक कालू सिंह ठाकुर ने मैदान संभाल लिया है, जहां ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ जैसे अवसर पर वृक्षारोपण करने का आह्वान किया है। देखिए खास रिपोर्ट। नालचा जनपद मुख्यालय की ग्राम पंचायत नालचा में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने सर्वप्रथम नालचा के पुलिस थाना परिसर स्थित अति प्राचीन मीठी बावड़ी में मां गंगा का आवाहन कर पूजन किया गया और देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन अर्चन कर कलश यात्रा निकाली गई, जहाँ धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे घर और मोहल्ले के आसपास जल संरक्षण और रखरखाव नहीं होने से अब अनुपयोगी हो गए हैं, हमें इनका संरक्षण के लिए आगे आना होगा। आभार मानना चाहिए हमारी विधानसभा से आज केंद्रीय मंत्री मिला है, आजाद हुए, जब से आजादी मिली, जब से अपना थार जिले में हमारी विधानसभा, हम आज तक केंद्रीय मंत्री नहीं बना, पहली बार मंत्री बन रहा, तो आप बनाए तो हम सब क्या एक एक वोट की कीमत देकर पार्टी ने उसका सम्मान करा। हम सब कल उनके आगमन के लिए हम इंदौर जाएंगे, बढ़िया धार से उसका सम्मान करें, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने साधन से कैसे भी करके हम सब जाएं, और ये सौगात मिली है हमको भारतीय जनता पार्टी ने, उस अपने क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। बता दें कि इस दौरान विधायक सहित भाजपा जिला मंत्री पवन कुशवाहा, नालचा मंडल महामंत्री विनोद ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि अशोक जाट व संतोष पटेल व युवा मोर्चा के निखिल ग्वाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां कार्यक्रम का स्वागत भाषण जनपद पंचायत सीईओ संदीप डावर ने दिया, संचालन दशारथ जाट ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, मांडू।